मैं अपना हेयर ना इतना छोटा कर दूंगा। मुंडन तो हम लोग कराएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज बुधवार है एंड अभी सुबह के इट्स अराउंड जस्ट 9 o'clock हुआ है एंड यहाँ पे है सिद। मैं सिद को लेके थोड़ा वॉक करने आई हूँ। अभी तक कुछ भी ब्रेकफास्ट एंड ऑल हम लोगों ने नहीं किया। सना ने बोला थोड़ा लेट होगी आज वो, तो मैंने बोला ठीक है तो लेट मी गो आउट। एंड बोलते हैं ना बच्चों के लिए ना एक्चुअली सुबह का धूप काफ़ी अच्छा होता है, तो वही मेरे तो इट्स 9:20। चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ये सिद के लिए बन रहा है ऑमलेट। मैंने जो घी बनाया था ना वही मैं पैन पे ना थोड़ा ग्रीस कर देती हूँ। तो ये रहा सिद का ब्रेकफास्ट एंड यहाँ पे रहा मेरा ब्रेकफास्ट एंड सिद का भी सेम है। ओनली सिद के ऑमलेट में यू नो प्याज एंड ग्रीन चिली डेफिनेटली नहीं होगा, तो एक एक मैं उसको दे रही हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं जो देती हूँ यू नो सीध अच्छी तरीके से खा लेता है, पहले तो वो मैं प्लेट में देती हूँ, फिर उसका रहता है उसको प्लेट निकालना, वो निकालता है फिर मैं इसी में देती हूँ, पर उसके बाद जो खाता है ना सीध नीचे कितना सारा है एंड बाकी वो ऐसा रैक्स को दे देता है, क्योंकि सीध रैक्स कहाँ पे है, रैक्स लाइक वेट करता रहता है कब ऊपर से कुछ गिरेगा। एंड ब्रेकफास्ट सिर्फ सिद ने नहीं, सिद का चेयर ने भी खाया। सी मैं बोलती हूँ ना हाफ ऑफ द थिंग्स ही नीचे ही गिरा देता है। तो मैं अभी सिद को प्ले पिन में रखूंगी एंड हाँ साथ में मैं भी आऊंगी क्योंकि आई फील इट्स एसेंशियल जो शॉमिक भी करते हैं यू नो थोड़ा उसके साथ बैठ के खेलना। ओले बाबा, ओले बाबा। ये दोनों का गेम है। रैक्स कितना प्यारा मौसम है एंड हाँ बहुत जन आप लोग बोलते रहते कि पायल पहले तुम यहाँ पे फ्लावर लगाती थी अभी क्यों नहीं लगा रही हो। एक्चुअली ना ये हम लोगों का बहुत ही ऐसा जंगली टाइप जगह है, यहाँ पे मच्छर भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो फ्लावर लगाएंगे ना तो बहुत सारे बी एंड ऑल आते हैं एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिद को लेके हम लोग यहाँ पे बैठते हैं एंड ओवर द टॉप एक तो टाइम नहीं मिलता है एंड अभी ना वी आर इन दैट स्टेज में क्या बता होता है ना व्हेन यू सर्च फॉर न्यू होम, तो ना कुछ और करने का मन नहीं करता। दिस इज ए फेस यू नो जो आई एम श्योर सभी के साथ ही होता है। इट्स 10:30 एंड अभी जाके मैं खाना बनाऊंगी। खाना इज लिटिल बिट एक तो थोड़ा आर्टी को थोड़ा यू नो थोड़ा रिमिक्स कर देंगे या तो वो नया एक आइटम हो जाएगा एंड शॉमी के लिए मैं फिश बनाऊंगी एंड उसके बाद 2 o'clock इज माई अपॉइंटमेंट आई थिंक सो, पता नहीं आफ्टर सो मैनी मंथ्स यार मैं अपना हेयर कट कराने जाऊंगी। बट ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या, द डे जब आप हेयर कट कराने जाए ना आप देखेंगे उसी डे आपको लगेगा अरे मेरा हेयर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अरे काफ़ी लंबा हो गया है। बट हाँ मैं सोच रही हूँ कि मुझे लाइक बहुत ही छोटा करने का भी अपना मन लाइक हेयर को मन कर रहा है पर पता नहीं। एंड जंपिंग जैक के जैसा रैक्स उछल रहा है उसका मतलब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि रैक्स के लिए अंडा बन रहा है एंड ये ना बहुत ही एक ऑथेंटिक रेसिपी है। एक फिश है जिसका नाम है चितोल माछ, सो ये इस उसी का ना लाइक फिश का ना फिश का मीट बोल सकते हैं, वो निकालना पड़ता है एंड काफ़ी टफ होता है लाइक यहाँ से मैंने निकाला है। सो दिस इज़ ए वेरी ऑथेंटिक रेसिपी, स्पेशली इसको निकालने में बहुत ही मुश्किल होता है एंड इसको ना हम लोग मुठिया बोलते हैं लाइक ये फिश का क्या बोलूँ फिश का जो बैक होता है ना उससे आपको मीट निकालना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट टफ एंड ये सब दिस ऑल लर्न वे क्या बोलो वो ऐसा लॉस्ट रेसिपी होता है ना वैसा जैसा जैसा दादी माँ के टाइप का रेसिपी लो है अभी भी लोग करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज ना कि आपको लाइक वो निकालना लाइक ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो मैं आप सबके साथ ये रेसिपी तो शेयर नहीं करूंगी, बिकॉज ये आप कहाँ से आपको ये फिश एंड ऑल सब मिलेगा, बट जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू द प्रोसेस। ये अभी ना कोई भी नहीं करता है, बिकॉज किसके पास इतना टाइम है यू नो टू डू ऑल दिस। तो अभी इसको हम लोग गर्म पानी में दे देंगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, फिश है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सी ये बॉयल हो गया है, एंड अभी ठंडा होने के बाद ना मैं इसको हार्डली 5 पीस होगा। एंड जो लोग बंगालीज है, हाउ मेनी ऑफ यू ने ये रेसिपी बनाया है या खाया है कमेंट पे जरूर बताना। तो उसे ये नगेट्स की तरह लग रहा है ना, तो अभी हम लोग इसको फ्राई कर देंगे। तो उसे ये फ्राई करने के बाद ऐसा हो जाता है, लाइक नगेट्स टाइप बन जाता है। तो सोमवार मैंने चिकन बनाया था वो है, तो अभी इसी का हम लोग रिमिक्स बनाएंगे। ये कढ़ाई आप सबको बहुत पसंद है, एंड ये कढ़ाई ये लाइक कुकवेयर मैंने इस बार यहाँ से ही ख़रीदा है, एंड ये बहुत हेवी है। तो ओनली डिफरेंस इतना, इसमें खाना बहुत जल्दी जल जाता है क्योंकि ये पतला है, एंड ये इतना मोटा है ना, तो इसमें लाइक बहुत ही कम कुछ भी नहीं जलता है। सो वेन एवर यू बाय एनी स्टील का बर्तन ना, थोड़ा हेवी खरीदिएगा, जितना पतला होगा ना तो ये उतना जल्दी जल जाएगा, क्योंकि इसमें लाइक बहुत सारा चिली होता है। तो यहाँ पे राइस बन रहा है, एंड यहाँ पे जैसे मैं बोल रही थी ना, चिकन पुराना है ना, तो मैंने थोड़ा प्याज ऐड कर दिया है, देन सम बेल पेपर एंड अंडा भी दे दिया है क्योंकि काफी कम था। तो अच्छा लगता है खाने में ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कल का सब्जी है। एंड यहाँ पे शॉमी के लिए और एक फिश का आइटम भी मैंने बना दिया, एंड मैंने तूफान मेल की तरह खाना बनाया है। तो अभी 12:43 हुआ है, तो मैं नहा लूंगी। एंड हाँ, कल कोई मुझे बोल रहा था कि पायल मैं देखती हूँ कि सिद्ध के लिए मोस्टली तुम ही सब कुछ करती हो, तो तुमने हेल्प क्यों रखा है। तो मैं बोलूँगी यू नो इन 18 मिनट्स वीडियो आप सबको कैसे पता चलेगा, बट हाँ एज ए मॉम यू नो, जैसे कि सिद को खाना खिलाना दिस इज समथिंग जो उसको नहीं आता है, एंड मुझे लगता है जैसे मैं बोलती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, बेटा तो मेरा ही है, तो यू नो अच्छे तरीके से सिद खाना खाए तो आई एम द वन हु इज मोस्ट सेटिस्फाइड। तो ये सब ना सिद को खाना खिलाना, फिर ऑयल मसाज कराना, मोस्टली ये मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। एंड आप लोग बहुत जन पूछते रहते हैं कि सिद का मुंडन कब होगा, सिद का मुंडन कब होगा। एक्चुअली सिद का इतना ज़्यादा तो हेयर नहीं है ना, उसके वजह से आई थिंक सो इट्स मैनेजेबल, क्योंकि बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है ना, जो लोग के बहुत सारे हेयर हो जाते हैं, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, सबको ऐसे चोटी बांध के रखते हैं। मुंडन तो हम लोग कराएंगे फॉर श्योर। एक्चुअली हम लोग में ना ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, पर हाँ मेरा और शमिक का मन है कि सिद का मुंडन एक बहुत ही अच्छी जगह से कराएंगे। अभी पता नहीं वहाँ पे वेदर विल बी एबल टू गो और नॉट, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली यू नो हाउ सिद विल रिएक्ट एंड ऑल, देखते क्या होगा। बट हम लोगों का बहुत ही मन है कि सिद का मुंडन हम लोग वहाँ से ही कराएंगे, वो मैं आप सबको, मुझे इतना सस्पेंस पसंद नहीं है, बट देन ऑल्सो मैं आप सबको और नेक्स्ट वीक में ही बताऊँगी, दिस ओनली आई कैन टेल। बट हाँ, सिद का मुंडन डेफिनेटली हो। तो मैं पहुंच भी गई, लाइक मेरे घर से इट हार्डली टेक्स 2 मिनट, एंड मेरा बहुत मन कर रहा है यू नो मैं अपना हेयर ना इतना छोटा कर दूंगा। आई डोंट आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू नो छोटा करते हैं फिर अब देखेंगे, फिर कितनों का दिल उदास होता है ये कमेंट पे लिखना। जैसे आज मैं बोल रही थी ना, मेरे बाल मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहे हैं मैं क्यों कट कर रही हूँ, इतना अच्छा नहीं यार, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है। एंड मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया था कि हेयर स्पा की जो ओनर है उसकी बेटी हुई है यू नो सेम ईयर जब सीद हुआ था, आई थिंक सो दोनों बच्चों में 21 डेज का अंतर है, सो आई थिंक सो दिस इज ए वॉकर, एंड वो बाहर है, बहुत ही क्यूट हुई है। राय बोल रही कि मैं टकली लग रही हूँ, तो नहीं यार मजाक कर रही थी, इतना छोटा भी नहीं किया, पर हाँ काफी छोटा कर दिया है पहले से। तो राय शॉक हो गई, इट्स स्टिल शॉर्ट, राय बोल रही है चलो ठीक है यार।
उसी मैं जो बोल रही थी, यहाँ के ग्रोसरी स्टोर में भी मैंगो मिलते हैं, पर हाँ इतना टेस्टी नहीं होता है। तो कल एक स्पेशल डे है तो इसी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। एंड ये मैंने गार्लिक ले लिया है, ये ऑर्गेनिक गार्लिक ना थोड़ा छोटा होता है। एंड मैं लूँगी अभी श्रिम्प, वो बड़ा वाला जिसका हेड है। एंड सी कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आई विल टेक, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ये लोग मुरझा जाते हैं। सी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसको मैं अंदर लेके चली जाऊंगी। एंड वास कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताओ यार, ज्यादा छोटा हो गया है क्या? पर पहले मैं आप सबके साथ मजाक कर रही थी, पर इज इट टू शॉर्ट मा? चलो कोई बात नहीं, तो फुल नया लुक हो गया है मेरा, मैं यही बोलूंगी। तो शायद एक्चुअली मेरा हेयर ना बहुत ही पतला हो गया है पहले से। एंड राय सच सच बताओ, हाउ एम आई लुकिंग? वेरी नाइस। Really? Yeah. पता नहीं, मुझे तो बोल रही थी अजीब लग रही हो, इतना छोटा है, चलो हो जाएगा। All your highlights went away. Like, highlights like you used to have like a little bit at the end. Oh, that is fine, यार, वो सब और मैं भूल ही गई। एक्चुअली ये हम लोग का दो तीन टाइप का है। नीचे में भी मैंने एक बार आप सबको दिखाया था ना, बैकयार्ड में भी हुआ है, आज मैं ऊपर से देख रही थी। वो जाके लाओ, ये सब का एंथू ही नहीं रहा। पहले जैसे मेरे यहाँ पे ना मैं छोटा एक दो वास रखती थी, अभी वो सब शायद मैंने ऊपर स्टोर रूम में रख दिया। तो कल एक बहुत ही स्पेशल डे है, इसीलिए मैं एक्चुअली कल के लिए मैं शॉपिंग करने गई थी। ऐसे इंस्टाकार्ट से लाओ ना समटाइम्स ना, द थिंग्स दैट आई वॉन्ट वो लोग नहीं लाते हैं ना, जो भी हो। तो दिस ना ये जो त्यौहार है एक्चुअली पहले मैं नहीं करती थी, देन ओवर द ईयर्स मैं मुझे लगा कि चलो यार मैं करती हूँ, नहीं तो ये त्यौहार कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं गई थी शॉपिंग करने। तो सिद्ध अभी सो रहा है, तो मुझे लगा चलो चांस जब है लेट मी मेक मिष्टी दोई, क्योंकि वो तो काफी लंबा प्रोसेस होगा। तो कल के लिए मैं ना मिष्टी दोई बना रही हूँ। तो अभी ना ये मिल्क को ना मैं थोड़ा रिड्यूस करके लाइक थोड़ा गाढ़ा करूंगी। एंड फ्रिज में एक्चुअली ऑलरेडी मिष्टी दोई है, बट दैट इज फॉर अ स्पेशल इवेंट, इसलिए मैं उसको ओपन नहीं करूंगी। अभी मैं घर में बनाया हुआ ही मिष्टी दोई बनाऊंगी। तो मिल्क को ना आपको गाढ़ा करना है, एंड मैंने अराउंड 1 लीटर ऑफ मिल्क लिया है। दही ना मैं ये मिट्टी के हांडी में बिठाऊंगी। हाँ जो मामा, डोंट ब्रेक इट, ओके? या टू टॉल राय बोल रही है, वो खुद राय अपने आप को टॉल बोल रही है, मेरे सामने तो कोई भी टॉल बोलेगा। तो इसमें मैं बिठाऊंगी, एंड ये ऑलरेडी वॉश किया हुआ ही है। तो बस अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, ऑफ नहीं करूंगी, मैं इसको एक्सचेंज कर लूंगी। या मिष्टी दोई को मिष्टी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ना शुगर को कैरेमलाइज करती हूँ। देयर आर डिफरेंट मेथड लोग करते हैं, आई लाइक दिस वे। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 10 टेबलस्पून ऑफ शुगर लिया है। लाइक जब व्हेन यू विल मिक्स विद मिल्क ना, थोड़ा ज़्यादा मीठा होना चाहिए, बिकॉज दही तो यू नो थोड़ा खट्टा कर देता है। एंड थोड़ा मिल्क मैंने अलग करके रखा है, लाइक थोड़ा ताकि थोड़ा यू नो गुनगुना हो जाए। तो सी धीरे धीरे, एंड फ्लेम को लो रखिएगा, शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब शुगर फुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए ना, सी अभी ज़्यादा करेंगे तो फुल हार्ड हो जाएगा, एड द मिल्क। तो सी फुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो फर्स्ट यू माइट फील सी, और थोड़ा है लेट इट बी, तो फर्स्ट यू माइट फील अरे सब कुछ एक साथ में लग रहा है, बट ट्रस्ट मी जस्ट कीप ऑन स्टीयरिंग। एंड गैस को ऑफ कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि नहीं सब कुछ यू ना एक साथ में ऐसा हो रहा है, देन जस्ट लो पे रखिएगा। एंड सी इट इज डन, थोड़ा थोड़ा है वो, अभी हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे। चलिए अभी स्ट्रेन कर लेते हैं। तो सी अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लीजिएगा।
तो दिस इज ओनली द मेन पोर्शन, यू नो, जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेशली जब कैरामलाइज हो जाता है एंड व्हेन यू ऐड द मिल्क, यू नो, तब आपको ऐसा लग सकता है अरे सब कुछ एक साथ आ रहा है. बट जैसे मैं बोल रही हूँ, फ्लेम को इफ यू फील कि गर्म हो गया है पैन, क्योंकि यू नो काफी देर तक इट विल टेक टाइम फॉर द शुगर टू कैरामलाइज, राइट, देन लाइक गैस को ऑफ कर दीजिए एंड ऐड द मिल्क. धीरे धीरे मिल्क ऐड कीजिएगा एंड कीप ऑन स्टियरिंग. तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मिल्क में डिजॉल्व हो जाएगा. तो सी, एक मैंने सिर्फ पानी लिया है दही का एंड जैसे मैं बोली बहुत ही आपको ऐसा हंग कर टाइप लेना है. तो ये बहुत ही ठीक है, ये इतना नहीं दूंगी, थोड़ा देने से ही हो जाएगा. तो चलिए, सिद्ध भी नहीं जगा एंड ठंडा हो चुका है, लाइक लुक वार्म हो चुका है. सो नाउ विल ऐड द योगर्ट. इतना हो जाएगा एंड जैसे मैं बोल रही हूँ पानी ज़्यादा ऐड मत कीजिए, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा. यहाँ का ऐसा भी दही भी इतना खट्टा नहीं होता है. तो चलो हो गया है. तो अभी आपको अच्छी तरीके से इसको विस्क करना है. वो कॉफ़ी का एक विस्कर रहता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा होगा. इससे ना सिर्फ फ्रॉथ होगा, क्योंकि जब आप ऐसा मिष्टी दही देखेंगे आप ऊपर में, यू विल सी लाइक दिस बबल्स, एक फ्रॉथ टाइप होता है. अगर फ्रॉथ में गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी. एंड आई होप सो कि कल परफेक्ट मिष्टी दोई बन जाए. इसी ऊपर में मैं बोल रही थी ना थोड़ा बबल होगा, तो मैंने अभी एल्यूमिनियम फॉइल से सील कर दिया है एंड मैं इसको ओवन पे रख दूंगी एंड आई टर्न द ओवन लाइट ऑन. तो अभी आप लोग बोलेंगे कहाँ है पायल मिष्टी दोई, वो आप सबको कल के वीडियो में पता चलेगा, बिकॉज अभी तो जस्ट मैंने बिठाया है एंड जैसे कि ओवन का लाइट मैंने ऑन करके रख दिया है एंड दिस वाज ए वर्क ना, जैसे कि अभी सिद्ध सोया हुआ था तो हो गया, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, राइट. ये मैं कल ऐसा सुबह उठ के नहीं बना पाऊंगी. सो नाउ द टाइम इज 5:10 एंड उसके साथ ही ब्लॉग को भी एंड करते हैं. देख के लग रहा है बारिश होने वाला है. एंड आप लोगों का क्या प्लान है मेमोरियल डे वीकेंड के लिए मुझे ज़रूर बताना. हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि राय का भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट वीक को. सो लेट्स सी, कुछ तो समवेयर वील गो, वी आर प्लानिंग. तो वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एंड हाँ, मिष्टी दोई देखना है तो कल के वीडियो पे आ जाना विद दिस. बाय बाय.